वीवो V29 Pro, वीवो T2 Pro, दोनों में बस इतना सा डिफरेंट है, पर दोनों में प्राइसिंग की बात करें तो इतना डिफरेंट क्यों? बात तो सही है। तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर, वेलकम टू चैनल डिजिटल SDHR में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो V29 Pro, वीवो T2 Pro, दोनों ही 5G स्मार्टफोन है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, क्या क्या इसमें बेस्ट है, क्या क्या वेस्ट है उसकी बात करेंगे, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा दोनों स्मार्टफोन में से, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन प्राइसिंग का बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो वीडियो मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन एक बार मेरी वीडियो को जरूर करना। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हो डिजिटल SDHR। कर लेते हैं दोनों का कंपेरिजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.78 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। दोनों ही डिस्प्ले यहाँ पर 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। दोनों ही डिस्प्ले की अगर बात कर लेते हैं रिफ्रेश रेट की, तो दोनों ही में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। स्मार्टफोन आपका मक्खन जैसा चलेगा 120Hz में, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के यहाँ पर बेजल लेस की। तो दोनों ही स्मार्टफोन यहाँ पर आपको बेजल लेस पंच होल कैमरे के साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो दोनों स्मार्टफोन के जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इन डिस्प्ले दे रखे हैं। साथ ही साथ दोनों स्मार्टफोन की अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस भी यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में 1300 निट्स की देखने को मिल जाती है। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन लगभग लगभग सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले के बाद यहाँ पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेक्शन की। तो बैक पैनल देखें तो यहाँ पर आपको वीवो V29 Pro में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 64MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर 2MP का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलता है। 64 वाला मेन कैमरा होता है प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल यानी कि आप बड़ी चीज़ों का अगर आप फोटो खींचो क्लिक करोगे, बड़ी पिक्चर क्लिक करना है, बड़ी जगह का फोटो क्लिक करना है तो 8MP वाला कैमरा आपको हेल्प करेगा। और 2MP का जो डेप्थ सेंसर दे रखा है वो बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए दिया गया है। बैक पैनल पे आपको एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है, साथ में यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा रिंग लाइट भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जब भी आप नाइट में फोटोग्राफी करोगे तो पोर्ट्रेट मोड जो होता है उसमें यहाँ पर जो रिंग लाइट है उसकी लाइट से आपको यहाँ पर जो ब्लरिंग इफेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप का यहाँ पर बैक पैनल पे कुछ इस टाइप का कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर वीवो V29 Pro में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं वीवो T2 Pro की। तो यहाँ पर आपको बैक पैनल पे 2 कैमरा सेटअप मिलता है, डबल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मेन कैमरा 64MP का होता है, सेकेंडरी कैमरा यहाँ पर आपको 2MP का देखने को मिलता है, डेप्थ सेंसर जो बैकग्राउंड को ब्लर करता है, और 64MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है। साथ में आपको रिंग लाइट भी देखने को मिल जाती है, रिंग लाइट आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कैमरा सेक्शन को लेकर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की। तो यहाँ पर आपको वीवो V29 Pro में आपको 50MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। वहीं पर आपको वीवो T2 Pro में आपको 16MP की सेल्फी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कैमरा के कुछ मेगापिक्सल को लेकर डिफरेंस दे रखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, एंड्रॉयड वर्जन की बात कर लेते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर एंड्रॉयड 13 पे वर्क करते हैं, एंड्रॉयड V13 पे दोनों स्मार्टफोन वर्क करते हैं। और इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 8200 वीवो V29 Pro में आपको देखने को मिल जाता है। वीवो V29 Pro में आपको MediaTek Dimensity 8200 देखने को मिलता है। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं वीवो T2 Pro की, तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 7200 आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर भी वीवो V29 Pro में आपको बेस्ट देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर के बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी की। तो यहाँ पर वीवो V29 Pro में आपको 5000mAh की पावरफुल बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर वीवो T2 Pro की बात करें तो यहाँ पर आपको 4600mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है। 4600mAh, 5000mAh, ये कुछ डिफरेंस देखने को आपको मिल जाता है mAh को लेकर। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के एडाप्टर की, तो यहाँ पर वीवो V29 Pro में आपको 80V का फास्ट एडाप्टर आपको देखने को मिलता है। 80V का बहुत ही ज़्यादा फास्ट एडाप्टर होता है और काफ़ी बेस्ट भी है। यहाँ पर बात कर लेते हैं वीवो T2 Pro की, तो यहाँ पर आपको 66V का फास्ट एडाप्टर देखने को मिलता है।
66 वोल्ट का, 80 वोल्ट का फास्ट एडाप्टर दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर आपको टाइप सी देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हो गए सारे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं दोनों स्मार्टफोन को लेकर। अब मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों स्मार्टफोन का कलर वेरिएंट और दोनों स्मार्टफोन की प्राइस। तो सबसे पहले यहाँ पर वीवो V29 की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये वाला स्मार्टफोन आपको 40,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके कलर वेरिएंट की। तो यहाँ पर आपको ब्लैक, ब्लू और यहाँ पर मजेस्टिक रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ब्लैक और ब्लू, मजेस्टिक रेड कलर। तो मजेस्टिक रेड कलर जो होता है वो यहाँ पर कलर चेंजिंग फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि धूप में इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मजेस्टिक रेड यहाँ पर एक नया कलर वेरियंट आपको देखने को मिल रहा है और प्राइसिंग यहाँ पर आपको 40,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। वहीं पर बात कर लेते हैं वीवो T2 Pro की। तो यहाँ पर आपको ब्लैक और गोल्ड कलर में ये वाला स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है, ब्लैक और गोल्ड, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर 23,999 रुपये इसकी प्राइसिंग है। तो यहाँ पर आपको कुछ 15,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है प्राइसिंग को लेकर। तो दोनों स्मार्टफोन के मैंने जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पर कैमरा सेक्शन में, प्रोसेसर में और यहाँ पर बैटरी में, तीनों चीज़ों में यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेस्ट लगा वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को प्रेस करके ही जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।